गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम महेश दास महंत, योर इंग्लिश टीचर। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 6 ऑफ इंग्लिश बुक्स। सो स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड पे अटेंशन टू माय एवरी वर्ड्स। ओके, चैप्टर्स नेम इज हु आई एम, मैं कौन हूँ। ओके, इन दिस चैप्टर मैनी वॉइसेस। राधा, राधा इज अ गर्ल, व्हाट डज ही थिंक। ओके, लिसन एक्सप्लेनेशन। मेरा पहला एक्टिविटी है पेड़ों पर चढ़ना। हमारे घर के जस्ट सामने एक अमरूद का पेड़ है जिसके ऊपर चढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनकी शाखाएं फैली हुई हैं, इसीलिए वृक्षों पर चढ़ना सरल है, और मैं दो शाखाओं के जोड़ पर आराम से बैठ सकती हूँ। मेरी माँ मुझे बताती है, लड़कियों का वृक्ष पर चढ़ना समझदारी की बात नहीं होती है, पर एक शाम वह भी चढ़ गई तथा हम दोनों वहाँ बैठकर कच्चे अमरूद खाते रहे तथा गपशप करते रहे। जब मैं तरु के ऊपर बैठी हुई होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे संसार पर शासन कर सकती हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, एंड वी सी एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड पैराग्राफ। नासिर, नासिर इज बॉय, व्हाट डज ही टेल्स अबाउट हर हिमसेल्फ। ओके, अब नासिर के बारे में सुनते हैं, नासिर क्या बोलता है। जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरी इच्छा है कि मैं बीज संग्रह करता बनूं। अपने गांव में हमारे कपास के खेत है और हर वर्ष मेरे पापा अपने कपास के पौधों को उगाने के लिए नए बीजों पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि बहुत वर्ष पूर्व हम अपने ही पौधों की बीज इकट्ठा कर लेते थे ताकि उन्हें अगले वर्ष नए पौधों उगाए जाने के लिए बोया जा सके, पर आजकल उससे काम नहीं चलता, इसलिए हमें हर वर्ष नए बीज खरीदने पड़ते हैं। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मैं बीजों को संजोकर रखने की विधि सीखना चाहता हूँ ताकि हम उनका उपयोग पुनः कर सकें और हर वर्ष उन पर पैसा खर्चा ना करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड नाउ वी सी थर्ड पैराग्राफ, व्हाट डज रोहित से। ओके, रोहित क्या कहता है उसके बारे हम जानते हैं। यदि मेरे पास ढेर सा पैसा होता तो मैं खूब यात्रा करता। मैं न्यूजीलैंड के पर्वत देखना चाहता हूँ क्योंकि पत्रिका के चित्र में वे बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। काश मैं दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी में नौका पर बैठकर यात्रा करूँ। मैं भारत में लक्षद्वीप के तटों पर रहना चाहता हूँ तथा मूंगों को देखने के लिए उसमें गोता लगाऊं। मैं कोणार्क मंदिर उड़ीसा जाना चाहता हूँ अथवा चीन के पुराने बीजिंग नगर को तथा मिस्र के पिरामिडों को भी देखना चाहता हूँ। पर वास्तव में मुझे जो चीज़ देखना प्रिय है वह है प्रकृति, प्राचीन भवन नहीं। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ वी सी थर्ड पैराग्राफ, व्हाट सरबजीत से। सरबजीत क्या कहता है उसके बारे में हम जानते हैं। जो मुझे बहुत बार नाराज कर देती है वह तब उन जबकि लोग मेरी सच बात पर भी विश्वास नहीं करते। जैसे यदि मैं अपने शिक्षक को बताता हूँ कि मैं अपना होमवर्क इस कारण से नहीं कर सका क्योंकि मेरी रवि मेरी पुस्तक मांग कर ले गया था तथा वह उसे लौटाना भूल गया था,
अथवा जब मैं अपने माता पिता को बताना चाहता हूँ कि मैं यह नहीं, वरना मेरे छोटे भाई ने लड़ाई शुरू की थी, अथवा यदि मैं अपने अध्यापक को बताना चाहता हूँ कि मैंने परीक्षा के लिए सचमुच पढ़ाई की थी, चाहे मुझे अंक बहुत कम मिले, वे सभी मेरी और मेरे इस प्रकार देखते हैं कि मानो वो सोच रहे होते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उनके चेहरे का भाव वास्तव में मुझे क्षुब्ध कर देता है। कभी कभी मुझे अपने जूतों पर दृष्टि गड़ानी पड़ती है, 10 तक संख्या गिननी पड़ती है ताकि मैं अपनी नाराज़गी उन्हें ना दिखाऊं। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड नाउ वाश डोलमा से डोलमा क्या बोलती है उसके बारे में हम जानते हैं। आइए, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। जब भी मैं यह बात कहता हूं तो लोग हंस देते हैं, पर मुझे विश्वास है कि मैं अपनी आकांक्षा पूरी कर लूँगा। मेरी कक्षा का हर छात्र मुझे पूछता है कि समस्या आने पर वो उन्हें क्या करना चाहिए, और मेरे शिक्षक सदा मुझ पर भरोसा करते हैं। जब स्कूल का कोई काम करना है, मैं सभी के लिए स्थिति में सुधार लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारत में अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें तथा अच्छे स्कूल हों। मैं सुनिश्चित कर लेना चाहता हूँ कि भारत में अनेक महान वैज्ञानिक हों जो बीमारी का निदान खोजने के लिए और मंगल ग्रह तक अंतरिक्ष पर यान भेज दें। अब हम पढ़ते हैं वार्डस पीटर से। ओके, मेरा प्रिय दिन होता है हर मास का दूसरा रविवार। उस दिन मेरा पूरा परिवार सदैव फिल्म देखने जाता है। मेरे माता पिता टिकट पहले से खरीद लेते हैं ताकि हम सब मेरी दादी जी, माता पिता, मेरे भाई, दो बहन भाई तथा मैं बस पकड़कर सिनेमा हॉल जाएं। मध्यावकाश में मेरे पापा मूँगफली ले आते हैं और हाल के अंधेरे में बैठकर मूँगफली खाना तथा फिल्म देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके पश्चात हम सदैव आइसक्रीम खाने के लिए रुक जाते हैं। अब हर व्यक्ति अच्छे मूड में होता है और हम सब स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमारा परिवार इतना सुखी परिवार है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। ओके, होप आई हैव यू हैव अंडरस्टूड। इफ हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, नेक्स्ट चैप्टर पार्ट वी विल सी इन नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।